तो व्हाट्सअप गाइज, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं अरविंदो फार्मा के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में करीबन 8% की एक भयंकर गिरावट हम लोग को अरविंदो फार्मा में देखने के लिए मिल रहा है। क्यों दोस्तों ये शेयर इतना नीचे चला गया है? क्योंकि दोस्तों इसका 12 जो अगस्त है उसका रिजल्ट डेट था, रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है, रिजल्ट में दोस्तों गिरावट है, इसीलिए दोस्तों ये शेयर नीचे जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा रिजल्ट देख लेते हैं। तो अरविंदो फार्मा का जो रिजल्ट आया है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो अरविंदो फार्मा का जो रिजल्ट है 2% की डिक्लाइन हम लोग को साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है, और 770 करोड़ का कंपनी यहाँ पर घाटा में चला गया है। इसीलिए दोस्तों ये शेयर अभी इस तरीके से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करेंगे, तो यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करते हैं, 16000% देने वाला ये कंपनी है। और दोस्तों 1000 रुपया भी जल्दी लगाया था, लेकिन वहाँ से नीचे नीचे जा रहा है। तो लिस्टिंग कब हुआ था? 1999 में 4 रुपया करके, और दोस्तों यहाँ तक नहीं चला था, 2013 तक नहीं चला था, 2013 से चलना शुरू हुआ। 2020 में जो लॉकडाउन लगा था, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँगा तो 392 रुपये तक आ गया था, लेकिन फिर से बाउंस बैक किया, 1000 रुपये तक ये शेयर गया था। क्या दोस्तों फिर से यह 1000 रुपये तक जा सकता है? तो उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये करीबन यहाँ पर बाय प्रेशर ज़्यादा है, और दोस्तों वॉल्यूम बहुत ही हाई है, 1063 रुपया इसका हाई है, 738 इसका लो है, 52 वीक लो है, 27% की लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी क्वांटिटी उठाया गया है। कंपनी इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, 12 अगस्त को रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है और डिविडेंड भी अनाउंसमेंट हुआ है। डिविडेंड अभी तक नहीं बताया गया है कब मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 20% प्रमोटर होल्डिंग गिर भी है, ये एक माइनस चीज आ गया। अगर दोस्तों इसका मैं टारगेट आपको बताऊंगा, टारगेट तो दोस्तों है, लेकिन इसका पूरा डिटेल्स में बात करने के बाद टारगेट आपको बताता हूँ। तो 44,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 1064 रुपया इसका हाई है, 738 इसका लो है, सेक्टर पे 8 है, बुक वैल्यू यहाँ पर 374 है, डिविडेंड कंपनी 0.53 प्रोवाइड करते हैं, आरओसी 18 है, आरओई यहाँ पर 27 है, फेस वैल्यू 1 का है। अगर हम लोग नीचे जाएंगे देखेंगे कंपनी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में काम करता है, और दोस्तों 7 नंबर पर आता है अरविंदो फार्मा। क्वार्टरली अगर हम लोग सेल देखेंगे 4500 का स्पेंड किया गया था, 5700 का जबरदस्त सेल हुआ है, लेकिन प्रॉफिट देखोगे तो 802 करोड़ से 770 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। यानी जरूर से हम लोग बोल सकते हैं क्वार्टर वाइज गिरावट है। ईयर वाइज देखेंगे 19000 का एक्सपेंड किया गया था, 24000 का यहाँ पर सेल हुआ है। प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा सा कम है, लेकिन प्रॉफिट बराबर आया है, ठीक है, थोड़ा सा कम है, इसलिए दोस्तों शेयर नीचे जा रहा है। तो लास्ट ईयर में 28% की रिटर्न दिया है। बैलेंस शीट अगर हम लोग चेक करेंगे 59 शेयर कैपिटल है, 21000 करोड़ का रिजर्व कंपनी रखा है, 5298 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है। यहाँ पर देखोगे 5800 था, 5200 कर दिए, और रिजर्व 16000 था, अभी 21000 कर दिए। दोस्तों एक अच्छा शेयर है, लेकिन दोस्तों रिजल्ट की वजह से नीचे जा रहा है। सोमवार को शायद ये नीचे जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको पकड़ना है, नीचे से पकड़ोगे फिर से बाउंस बैक करेगा, तो यहाँ पर आप सेल करना तो प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर एसेट में भी जंप है, कैश फ्लो देखेंगे, कैश फ्लो में ज़बरदस्त जंप है। अगर हम लोग होल्डिंग चेक करेंगे, प्रमोटर के पास 51% है, FI वालों के पास 23% है, DI वालों के पास 14% है, पब्लिक के पास 9% है। दोस्तों सारा पैरामीटर बहुत ज़बरदस्त है। इसका अगर मैं टारगेट आपको बताऊँगा, तो दोस्तों इसका जो टारगेट आ रहा है 760 में अभी ट्रेड हो रहा है। मैं जो टारगेट दूंगा 1200 रुपये का टारगेट दूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको होल्ड करना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। दोस्तों ये तीन चीज़ अगर आप फॉलो करोगे 760 से 1200 की टारगेट अचीव आप कर पाओगे। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।